हेलो स्टूडेंट, आज हम भाग विधि से वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। कक्षा देखते हैं, जैसे आपका पहली संख्या है, हमको अंडर रूट का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लिखेंगे दो। दो लिखने के बाद दशमलव लगाएंगे और जीरो के जोड़ा बनाएंगे। कितने बना लेंगे? एक दो तीन जोड़ा बना लेंगे। अब पहला जोड़ा पूरा अंक का जोड़ा दो बना, और या पूरा अंक से इनके जोड़े जीरो से बना लिए। एक से स्टार्ट है, एक कम एक, दो से कम हो रहा है, दो दूनी चार, ज्यादा हो रहा है तो एक से स्टार्ट करेंगे, एक कम एक, दो में से एक है एक घटाएंगे प्लस एक, एक ही कितना हुआ दो। दशमलव लगा हुआ है, दशमलव यहां लगाएंगे, अंक बताएंगे दो जीरो। अब कितना हो गया सौ, दो का पहाड़ा पड़ेंगे दस से ज्यादा ना हो, दो कम दो चार पंचे दस, पांच बार में दस आएगा कुछ ना कुछ हासिल ज्यादा हो जाएंगे। तो कितने बार बनेंगे चार, दे चार को यहां लिखेंगे, चार को यहां लिखेंगे, चौबीस का मल्टीप्लाई चार से करेंगे, चार को सोलह की छह हासिल लगी एक, चार दूनी आठ एक नौ, फिर लगाएंगे दस में छह नहीं चार, नौ में नौ गई जीरो प्लस चार लीजिए चार लिखेंगे, चार चार आठ और दो कितना हुआ अट्ठाईस। अब हम बता देंगे इस जोड़े का, जीरो से दो जीरो, अब कितना प्राप्त है चार सौ। अब दो का पहाड़ करो चालीस से ज्यादा ना हो, दो का दूनी चार, ठीक तो दूती छह ज्यादा हो जाएगा तो एक बार करेंगे, एक यहां लिखेंगे और एक यहां लिखेंगे, दो से इक्यासी का एक से मल्टीप्लाई करेंगे दो सौ इक्यासी, फिर लगाएंगे दस में से एक गई नौ, नौ में से आठ गई एक, तीन में दो गई एक प्लस एक के नीचे एक, एक एक दो, आठ का आठ, दो का दो। अंक बताएंगे इस जोड़े को, ठीक। अब आप दो का पहाड़ा पड़ेंगे ग्यारह से ज्यादा हो, दो चौक आठ, दो पंचे दस, पांच बार में दस आएगा लेकिन यहाँ आठ है, पंच चालीस चार हासिल आएंगे दस चार चौदह, यानी कि पांच बार में संख्या ज्यादा आएगी, तो यहाँ पांच बार लेकिन कितने बार आएंगे चार बार, चार बार लेंगे चार के यहाँ। अब दो हजार आठ सौ चौबीस का मल्टीप्लाई चार से करेंगे, चार चौके सोलह की छह हासिल लगी एक, चार दूनी आठ एक नौ, आठ चौके बत्तीस की दो हासिल लगी तीन, चार दूनी आठ, आठ नौ दस ग्यारह घटाएंगे दस में छह नहीं चार, नौ में नौ गई जीरो, नौ में दो गई सात। अब देखिए ये भाग आपका वर्गमूल कभी खत्म नहीं हुआ, जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे उतने हम आगे तक पहुंचाएंगे, तो हम सिर्फ दशमलव कितने अंक निकालेंगे तीन अंक, दशमलव के ओनली वन टू थ्री अंकों तक ज्ञात करेंगे और इसे नहीं छोड़ेंगे। तो आपका आंसर हुआ अंडर रूट दो का वर्गमूल हुआ एक दशमलव चार एक चार लगभग में, ठीक। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अंडर रूट तीन का मान निकालना है, तीन दशमलव जीरो जीरो जोड़ा बनाया, इस जीरो का जोड़ा बनाया और इस जीरो का क्या किया जोड़ा बनाया, वही स्टार्ट करेंगे, एक कम एक, तीन से कम है दुदूनी चार, तीन से ज्यादा है तो एक बार से जाएगा, एक को यहां लिखेंगे एक को ऊपर लिखेंगे, एक कम एक घटाएंगे, तीन में एक गई दो प्लस यहाँ एक करेंगे एक एक दो, दशमलव दशमलव लगाएंगे अंक बताएंगे दो जीरो, दो सौ प्राप्त हुआ, दो का पहाड़ा पड़ेंगे बीस से ज्यादा ना हो, दो दम भी दस बार करेंगे नहीं नौ बार, तो नौ यहां लिखेंगे और नौ को यहां लिखेंगे, देखिए नौ बार में हासिल आएंगे तो दो सौ से ज्यादा निकल जाएगा, नौ बार में लेके कितना लिखेंगे हम आठ बार करेंगे आठ, तो फिर आठ यहां लिखना पड़ेगा तो अट्ठाईस का मल्टीप्लाई आठ से करें, अठनी चौदह की चार हासिल लगी छह, आठ दूनी सोलह, सोलह छह बाईस, जी दो सौ से ज्यादा हो गया तो फिर कितने बार लिखेंगे सात बार, तो यहाँ आप कितना लिखेंगे सात देव भाग लेंगे, सात को यहाँ लिखेंगे तो सात को ऊपर लिखेंगे, सत्ताईस का सात से मल्टीप्लाई करेंगे, सती सती उनचास की नौ हासिल लगी चार, सात दूनी चौदह, चौदह चार अठारह घटाएंगे दस में से नौ गई एक, नौ में से आठ गई एक, एक में गई जीरो प्लस सात नीचे सात,
सात सात चौदह की चार यहां से लगे एक दो एक तीन कितना हुआ चौतीस अंक उतारे दो जीरो ठीक। अब हम तीन का पारा पढ़ेंगे तीन त्रिका नौ तो तीन वाले लिए तीन यहां लेंगे एक तीन यहां तीन त्रिका नौ चार की बारह की दो हाथ से लगे एक तीन त्रिका नौ एक दस फिर लड़ाएंगे दस में से नौ है एक नौ में दो है सात ठीक। हाथ में लगे जीरो यहां तक अंक उतारेंगे दो जीरो प्लस तीन लीजिए तीन है तीन तीन छह चार तीन तीन सौ छियालीस। अब तीन का बारह पड़े सात से लगा तीन 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 दो नहीं छह दो बार हो जाएगा दो को यहां लेंगे दो को यहां मल्टीप्लाई करेंगे दो दूनी चार छह दूनी बारह की दो हाथ से लगी एक चार दूनी आठ एक नौ तीन दूनी छह तक घर आएंगे दस में चार नहीं छह नौ में दो नहीं सात एक हाथ से लगे दस में नौ नहीं एक। अब देखिए अगर हम सत्रह चार और भी जीरो बना सकते हैं ये भी कभी खत्म नहीं होगा यानी भाग इसका जाते जाएगा तो हम दशमलव के बस तीन अंक तक ज्ञात कर लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपका अंडर रूट तीन का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ एक दशमलव सात तीन दो। तो इस प्रकार से आपने भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किए ठीक। तो ये आपने अंडर रूट दो का मान भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा अंडर रूट तीन का मान भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा। अब आपको चार सवाल देते हैं आपको घर से करके लाने तो देखिए नंबर एक अंडर रूट पांच का मान निकालना है नंबर टू अंडर रूट ग्यारह का मान नंबर तीन अंडर रूट पंद्रह का मान जी आपको भाग विधि से निकालने नेक्स्ट वीडियो कर लेंगे ओके।